न्यूज फोर सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताजा समाचार। द मॉडर्न स्कूल ऑल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ ओवर 17,000 मॉडर्नाइट्स अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट द मॉडर्नाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2022 टू यू फॉर रीचिंग द पिनाकल ऑफ सक्सेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स दस ब्रिंगिंग ग्लोरी टू आवर बिलव्ड अल्मा मैटर। And with that, ladies and gentlemen, we are at the culmination of this evening's proceedings. From the stage here, we have a special performance by Padma Shri Dr. Yash Gulati coming up very shortly, and high tea is served behind you. Good evening. सिटी में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बारह कमर और स्थित मॉडल स्कूल में, जहाँ इस वक्त पुराने जो छात्र हैं उनकी एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और उसी में से एक है मीनाक्षी पाहुजा जी, जो इसी स्कूल की स्टूडेंट रही है और इसी स्कूल में आज इनको अवार्ड भी किया गया है एसोसिएशन द्वारा। और मीनाक्षी पाहुजा जी को ख्याति प्राप्त अपनी ख्याति का इंटरनेशनल स्तर पर लोहा मनवा चुकी है और उनको जनपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मैम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे पिताजी यहाँ पे टीचर भी थे, तो आज पापा तो नहीं है बट आज मैं ये अवार्ड लेने आई हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप नर्चर होते हैं, वही स्कूल जब आपको इस लायक समझता है तो आपको मॉडर्न स्कूल के जो फॉर्मर स्टूडेंट्स का अवार्ड है, मसोसा का अवार्ड एक्सीलेंस के लिए और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी और आपकी फील्ड के लिए आपको दिया जाता है, तो आज मुझे उससे ही नवाजा गया। कितने अरसे के बाद आप पुराने छात्रों से मिले, पुराने सहपाठियों से मिले, क्या कुछ नई फीलिंग आई और क्या कुछ नई पुरानी बातें जो हुई आप? देखिए बस सबसे मिलती जुलती तो रहती हूँ क्योंकि बहुत क्लोज बैच रहा है, तो योगदान तो रहा है और सबसे मिलती जुलती रहती हूँ, बट आज मेरे लिए स्पेशली आया, मुझे इतना चीयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक स्टूडेंट के रूप में जब आप क्लासरूम में बैठती थी और आज इसी स्कूल के प्रांगण में आपका अवार्ड किया जा रहा है, देखो नेचुरली एक खुशी का मौका तो ये बहुत है। और दूसरा ये बताइए कि आप इस मुकाम पे जाकर के इस स्टूडेंट के दरमियान जो फासला होता है, कितना क्या कुछ डिफरेंस मानने के, स्टूडेंट के नाते ज़्यादा को मज़ा आता था या आज ज़्यादा? स्टूडेंट जब थे तब कोई फिक्र नहीं थी, बिंदास होकर बस तैर रहे थे, सारी टेंशन माँ बाप की थी, बट जब आप बड़े होते हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, जब आपका रियल वर्ल्ड से सामना होता है, ज़िंदगी के संघर्ष आपके खुद के होते हैं, ज़िंदगी आपको बार बार चुनौती देती है, बार बार आप फेल भी होते हैं, फिर दोबारा खड़े होते हैं, दोबारा वो करते हैं, जैसे मेरा आपने सुना मैं समुद्रों की दुनिया को अब बिलोंग करती हूँ, पहले मैं अपने टाइम में बहुत नेशनल चैम्पियन रही, बहुत नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए, इंडिया के लिए मेडल जीता था मैंने 1994 में, एंड उसके बाद से लगातार मैं तैर रही हूँ, बट मैंने कम बैक किया समुद्रों के लिए, तो आप सोच सकते हैं जब समुद्रों की दुनिया में वापस आई, समुद्रों पर विजय पाना आसान नहीं। और आप जनपरी के नाम से भी आपको बोला जाता है, वही मैं वाकई में ये सबके शुक्रगुजार हूँ और खासकर अपने मीडिया के दोस्तों को जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। एक तो वो होता है जो आपके माँ बाप आपको नाम देते हैं, जिन्होंने मुझे पारिवारिक नाम दिया मीनाक्षी, पर एक वो होता है जो आप अपने कर्मों से हासिल करते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि इतने प्यार से भारत की जलपरी कहा जाता है। स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं बड़े जोश के साथ ये ऑर्गेनाइज करते हैं गुरु दक्षिणा, जिसमें अपने गुरु लोगों के वो सम्मान करते हैं और एक्सीलेंस अवार्ड्स होते हैं, जिसमें कि होलिस्टिक एजुकेशन जो स्कूल में है उसके चलते डिफरेंट फील्ड्स में जिनने एक्सेल किया है उनको ऑनर किया जाता है और डिस्कशन होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोल्ड वॉर पे आज जैसे हुआ कि कैसे ये सिचुएशन है और क्या इसका समाधान, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा लगा इधर हमेशा ओल्ड स्टूडेंट्स के इवेंट में बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर। बड़ा चार्मिंग और एक इमोशनल इवेंट होता है, इमोशनल होता है बिल्कुल, अपने स्कूल में वापस आते हैं, चार्मिंग इसलिए होता है कि दोबारा से अपने स्कूल और क्या कनेक्ट होता है, यादें पुरानी ताज़ा हो जाती हैं अपने स्कूल में आके बच्चों की, और जब अपने बैचमेट्स को भी उनको मिलता है तो दे ऑल्सो फील इमोशनल अबाउट इट, ये फील कनेक्टेड एंड खुश नसीब हूँ स्कूल से पढ़ा
और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को इस लाल बिल्डिंग में यहाँ आना, एक अलग सी अंदर से महसूस होता है। और ये अवार्ड्स 11वां अवार्ड्स था हमारा इस साल और हमने ये हर साल करते हैं और बड़ी हर फील्ड ऑफ से लेते हैं, जुडिशरी भी है, आर्म फोर्सेस भी है, मेडिसिन भी है, आपने देखा होगा जैसे आज स्पोर्ट्स भी हैं, हर फील्ड से हम अपने ओल्ड स्टूडेंट्स जो उन्होंने एक्सेल किया उनको अवार्ड देते हैं। इस बार क्या कुछ खास था? इस बार हमने ये एक गुरु दक्षिणा का भी हमने एक सेरेमनी करा जो हमारे कुछ रिटायर्ड टीचर्स को हमने एक सम्मानित किया जिन्होंने हमें पढ़ाया था और एक छोटा सा भेंट किया उनको। यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी, हमने उनको क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं और स्कूल ने हम लोग को ये बनाया है। कमिंग डेज में क्या कुछ नया होने वाला है ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का? हम इसको और भी आगे ले जाना सोचा हो कि नेक्स्ट कुछ प्लानिंग हो? कुछ नहीं, हम इसको स्पोर्ट्स में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हम अपने अभी 11 तारीख को हमारा आएगा जिसमें हम मॉडर्न स्कूल की टीम्स और हमारे मॉडर्न नाइट्स की टीम या गेम सारे गेम्स हम खेलेंगे, नई नई चीज़ें हम करते रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं करंट बच्चों से भी और मॉडर्न नाइट्स में स्कूल से पास होता है। पुरानी यादें ताज़ा हुई, पुरानी ताज़ा यादें ताज़ा होती हैं यहाँ क्लासरूम, वही क्लासरूम और वही आप सेलिब्रिटी बन के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अलग लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अलग सा ही महसूस होता है, अलग से ही उत्साह बनता है, चार्मिंग और बड़ा इमोशनल मोमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। चार्मिंग इसलिए कि हम जा रहे हैं और इमोशनल इसलिए कि पुराने से मिलते हैं कि बोले बिस्तरे हैं। इस बार मेरे भी एक बैच का बोले बिस्तरे लोग उसको भी अवार्ड मिला, मेरी 87 बैच का जस्टिस राजीव मिश्रा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा अपने ही बैचमेट को एक अवार्ड देते हुए, बहुत ही खुशी हुई। सर कुछ लोग जैसे आपने बताया कि हुआ है अभी बहुत, हमने जो कोविड हुआ उसमें हमारे मॉडर्नाइट्स बहुत सारे बिछड़ गए, मतलब उस समय बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। हमने एक प्रेयर मीटिंग करी, इकट्ठा किया, कम से कम 75 से अधिक मॉडर्नाइट्स उस वेव में हमारे घुस गए, बहुत ही क्रिटिकल माहौल था, बहुत ही क्रिटिकल, मतलब हर रोज़ एक खबर आती थी, मतलब बहुत ही दुख होता था, इतना लंबा परिवार था तो बहुत ही दुख हुआ, इतना लंबा परिवार, मतलब हमारे कुछ टीचर्स भी गए, हम उनके लिए अब हमने उसके लिए एक और अपना एक उसमें कर रहे हैं हम टीचर्स के लिए भी जिनको दिक्कतें आई फाइनेंशियली कोविड में, कुछ आई मेडिकली हेल्प करना, जो भी हम कर सकते हैं अपने रिटायर्ड टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स के लिए भी, आप टीचर्स के लिए भी। थैंक यू सर, रोहित जैन जी के साथ मिलकर के बहुत अच्छा लगा और मॉडर्न स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, दोस्त लोग जोश और जज्बा अभी बरकरार है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया को देखने को मिलेगा ये उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर, मिलकर थैंक यू।